ये भैया पापड़ी। तो ये यहाँ पे मेन गेट है और झंडा लगा हुआ है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो कल भैया शाम को आ गए थे हम गोरखपुर और हमारे जितने कल आए थे भैया, ये सोच के कि थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और थोड़ा पब्लिक के बीच हम ब्लॉग बना के देखेंगे, थोड़ा अपना हेजिटेशन ख़त्म करेंगे कि देखते हैं ब्लॉग बना पाते हैं कि नहीं कि पब्लिक के बीच में। तो इसलिए कल आ गए थे और आज थोड़ा चलेंगे घूमने के लिए। अभी सनराइज़ हो गया है और सुबह थोड़ा सो के उठने में लेट हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा चलेंगे। यहाँ पे एक रामगढ़ ताल है वहीं पे, तो चलिए आपसे मिलते हैं वहीं पे। और हम आपको दिखाते हैं छोटू भाई का रूम। हमारा प्रज्वल भाई इस एरिया में रहता है। और इसका रूम भाई क्या गजब है, बिल्कुल ओपन स्पेस है। यहाँ से पूरा एकदम बालकनी देखिए। रात में हम लोग यहीं पे सोए थे। हमारे छोटू भाई के रूम से 10 मिनट के दूरी पे रामगढ़ ताल और हम लोग देखिए चल रहा है। और पीछे हमारे प्रज्वल भाई और सत्या। ये देखिए, ये है रामगढ़ ताल। और सी ब्रिज इफेक्ट की वजह से यहाँ पे आपको हमेशा हवा मिलेगा, कभी भी हवा ख़त्म नहीं होगा, हमेशा हवा चलता रहेगा। क्योंकि इसमें जो लहर है तो सी ब्रिज इफेक्ट की वजह से इसमें हवा उत्पन्न होती रहती है। इतना तेज हवा चल रहा भी है यहाँ पे। तो ये अभी चल रहा है रूम पे और फिर शाम को आएंगे यहाँ पे। शाम को यहाँ पे एयरफोर्स का एक इवेंट है, सुरली शाम यहाँ सेलिब्रेट होगा। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से और शाम को आके देखेंगे कैसे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसा दिखता है रामगढ़ ताल। चलिए चलते हैं। और इधर महंत दिग्विजयनाथ पार्क है, इसमें थोड़ा वर्कआउट का भी सामान रखा गया अंदर में। अभी भैया हम लोग चल रहे हैं रामगढ़ ताल, जिसको नौका बिहार के नाम से जानते हैं। गोरखपुर में अगर आप आए हैं और नौका बिहार नहीं गए हैं तो भैया आप कहीं नहीं गए घूमने के लिए। मेरे साथ इधर के प्रेरित भाई है जो बाइक ला रहा है अभी। और आज बहुत सही समय पर हम लोग आए यहाँ पे। आज एयरफोर्स का कुछ प्रोग्राम भी चल रहा है यहाँ पे, तो आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद। अभी अभी मैं और मेरा दोस्त से देखिए प्रेरित भाई हैं। और रात में कितना समय हो रहा है भाई? रात का समय हो रहा है, देख बताता हूँ आपको, 8 बज रहा है और हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे गोरखपुर में। और ये जो आप पीछे लाइट देख रहे हैं, रो स्ट्रीट लाइट लगा है, इसके अंदर इस पोल के अंदर आपको एक स्पीकर भी लगा हुआ है जिसपे कृष्ण जी की आरती और ये भजन वजन बज रहे हैं इसमें। और ये मेरा पहला पब्लिक के बीचों बीच ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों एकदम बिल्कुल टेंशन खत्म, माइंड फ्री है, कोई डर कोई हेजिटेशन लग ही नहीं रहा है। एक बार आपका चैनल मोनिटाइज हो जाए तो भाई फिर आपको कोई हेजिटेशन नहीं होता है ब्लॉग बनाने में, वही पब्लिक के बीचों बीच में। देख लीजिए, मुझे ही देख के आपको लग रहा होगा कितनी पब्लिक है यहाँ। देखिए एयरफोर्स का सुरीली शाम आज मनाया जा रहा है। और ये गेट है और यहाँ प्रशासन लगी हुई है, यहाँ पे मेन गेट है और ये झंडा लगा हुआ है यहाँ पे। भीड़ इतना है भैया, आज सैटरडे है, इतनी भीड़ है। सही हुआ संडे को नहीं आया, संडे को तो और ज़्यादा भीड़ हो जाता है यहाँ पे। एक ये बीचों बीच भी आपको झंडा दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ देखिए एयरपोर्ट से कुछ एम्प्लॉय आ रहे जा रहे हैं।
यहाँ पर देखिए रामगढ़ ताल में एक बड़ा सा झंडा लगा हुआ है बीचों बीच सेंटर में। आने में लेट कर दिए हैं और जो सेलिब्रेशन चल रहा था वहाँ यहाँ पे वो बंद हो गया अब। और मेरे पीछे मेरे दोस्त है, देखिए वो कितने पीछे पीछे चल रहे हैं सर। ये देखिए मेरे सर पूरी पलटा रही है, छोटू भाई, सत्य भाई और दो भाई ये लोग हैं और ये प्रेरित भाई हैं। यहाँ पे वो फंक्शन मनाया जा रहा था, देखिए सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे एयरपोर्ट से स्टाफ भी है यहाँ पे। और ये व्यू देखिए आप, यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था। यहाँ पे देखिए ये लोग कुछ बीसी कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। और पीछे यहाँ पे आर्मी के स्टाफ खड़े हैं, आर्मी के सोल्जर खड़े हैं यहाँ पे। अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे चेयर पे क्योंकि ये जो प्लेस है ये बिल्कुल ताल के बीचों बीच है और यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मेरे भाई लोग भी देखें यहाँ बैठे कुछ पक्षुदी कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी देर में चलेंगे आगे, देखते हैं और भी क्या है यहाँ पे और थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे। मैं बिल्कुल क्या बताया, एजिटेशन खत्म हो गया बिल्कुल। पब्लिक में आराम से ब्लॉक नजर आए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए बोट की सवारी लोग कर रहे हैं नाइट में भी। पता नहीं लोग कैसे नाइट में बोट की सवारी कर ले रहे हैं, हमको तो बड़ा डर लगता है यार बोटिंग करने में, वो भी रात में। भैया ताल से तो बाहर आ गया, अब आया थोड़ा कुछ पेट पूजा कर लिया जाए, काफ़ी घूम लिए हैं, खैर थक गया बिल्कुल। और ये हमारे भाई लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं और दो भाई लोग यहाँ पे देखिए बाइक लेकर तैयार हैं। यहाँ पे ताल के किनारे यहाँ पे जितने देखे दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे और यहीं पे हम लोग खाएंगे थोड़ा बहुत और कुछ स्ट्रीट फूड खाते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये पीछे हमारे छोटू भैया और ये जो रेड शर्ट वाला जो लड़का आपको दिख रहा है ये दो दिन में रसिया जाने वाला है भाई, डॉक्टर है ये। हमारे छोटू भाई के कहने पे हम लोग यहाँ पे पापड़ी आगे जाओ, आगे पापड़ी जाओ, चाट यहाँ पे ट्राई कर रहा है। ये भैया पापड़ी और ये सबको अपनी अपनी टेस्ट के हिसाब से मिल गई है, इसको टेस्ट करके देखते हैं। छोटू भाई टेस्ट करके बताइए कैसा है। छोटू भाई का तो ये फेवरेट है, भग रहा है छोटू। यहाँ भैया हमारे प्रज्वल भाई की डिमांड पे शिकंजी बन रहा है यहाँ पे। और अभी हम लोग चाट पापड़ी खाएं, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ठंडा शिकंजी हो जाएगा। टेस्ट कराते भैया, टेस्ट करिए। अरे भैया टेस्ट करें, मर जाएगा दाल। लेकिन बनाया था गजब मौका भाई, वीडियो है ये था ना, वीडियो है देखना। और यहाँ पे हमारे प्रेरित भाई जा रहे हैं और बाकी और लोग भी चले गए और हम लोग थोड़ा चलेंगे ताल के पास, बैठेंगे किनारे ताल के किनारे, उसके बाद चलेंगे। और बाय बाय प्रेरित भाई, हम लोग थोड़ा चल रहे हैं ताल के किनारे बैठेंगे, थोड़ा हवा चल रहा है यहाँ पे। अचानक आया वो देख के इसी में बुलेट हुआ सब छोड़ गया। अरे नहीं, रोड ये चालू हो गया, थोड़ा देख के क्रॉस करना है। बंदा पैदल आ रहा था। वाह क्या हवा चल रहा भाई। पीछे देखिए हमारे छोटू भाई ग्रिल पे बैठे हुए हैं और हम लोग पूरा भरपूर हवा का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग पैदल प्रज्वल भाई के रूम पे जा रहे हैं।
ये भैया हमारे प्रज्वल भाई का रूम, और इधर का एरिया देखिए क्या पोर्स एरिया है, बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे। और ये छोटू भाई गए अंदर और हम लोग भी चल रहे हैं अंदर अभी। ये हमारे छोटू भाई का रूम है, यहाँ पे अभी लाइट कटी हुई है, फिर भी ये जुगाड़ से भाई साहब बाहर से लाइट लिया है। आज बहुत घूम घूम कर थक गए भैया, और ये देखिए बैचलर लाइफ, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है तो अब हम लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं। ये होती है भाई बैचलर लाइफ, देखिए अब छोटू भाई हमारे यहाँ पे खाना तैयार है, और ये आया है सिनेमन के यहाँ से पनीर। प्रज्वल भाई के डिमांड पे कहे भैया आज ये खाए, निकालो खाना। खाने के बाद भैया छोटू भाई कहा चलिए छत से अपना छत का बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए ये कुछ ऐसा व्यू है, और वो लाइटनिंग आप तो देख रहे हैं, ये ले वही नौका विहार रामगढ़ ताल है।